खुश नसीब हैं जो बाह सयाम को खूबसूरती के साथ बसर करते हैं, इसके आने से पहले इस्तकबाल करते हैं, घरों में सफाई करें, एहतमाम करें, मसाजिद में एहतमाम करें, ताकि बच्चों में ये शौक पैदा हो कि माह सयाम आ रहा है। जब हम बच्चे थे तो हमारे वालदैन रमज़ानुल मुबारक से कबल ही रमज़ानुल मुबारक की तैयारियां शुरू कर दिया करते थे। उस वक़्त घर में शरबत तैयार हुआ करते थे गुड़ के, और वो पहले ही माएँ घर में तैयारी करना शुरू कर दिया करती थी। एक शौक़ पैदा करना मकसूद होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ऑर्डर लिखें और एक सेकंड में घर पहुंच जाए, लेकिन कुछ चीज़ें तैयार करनी चाहिए, शौक़ पैदा हो। घरों के अंदर माओं को चाहिए कि इफ्तारी को एहतमाम के साथ तैयार करें, ताकि बच्चों को शौक़ पैदा हो, एक माहौल पैदा हो, कुरान मजीद की तिलावत का माहौल पैदा हो, जागने सोने के जो है वो शेड्यूल मुरतब किए जाएँ, मसाजिद की आबादी का सामना किया जाए। कुछ SOPs को आपको फॉलो करना होगा, लेकिन मस्जिदों की इंशाल्लाह रौनकें बहाल रहेंगी, और सलात व तरावी और सहर व इफ्तार के लम्हे, नवाफल, तस्बीहात, अज़कार, नमाजों में पंचगाना हाजरियाँ, ये कैसा खूबसूरत माहौल होता है। रहमतें बरस रही होती हैं, अनवाद उतर रहे होते हैं, और वो क्या खूबसूरत लम्हे होते हैं और क्या घड़ियाँ होती हैं। इंशाल्लाह इम साल मरकज़ मुस्तफ़ा के अंदर सलात व तरावी के लिए ख़ास तौर पर हम एहतमाम कर रहे हैं। बहुत अच्छे कारी कुरान जो है वो सलात व तरावी पढ़ाएंगे, ज़िक्र व फ़िक्र के हल्के भी होंगे, दुरूस कुरान के हल्के भी होंगे। पूरा महीना आपके साथ मैं यहाँ मौजूद रहूँगा, इफ्तार के लम्हों में भी, सहर के लम्हों में भी, तरावी में भी, नमाजों में भी इंशाल्लाह। और फिर जब हम होंगे, माह सयाम होगा, रहमत की घड़ियाँ होंगी, उतरते हुए अनवार होंगे, तो ये महीना रहमतों की लूट सेल का महीना है। ये करम नवाजियों के उमड़ते हुए धारे हैं, ये सैल रहमत है जो कि मन की सैराबी का सबब और जरिया है। इंशाल्लाह मोहब्बतों का हुजूम होगा, इफ्तार के मेले होंगे, सहरी के खुशगवार लम्हे होंगे, कुरान की दिल नवाज सदाएं होंगी, और मरकज़ मुस्तफ़ा का नूरानी पुरकैफ सरबदी माहौल होगा, और हम अपने रब से उसकी रहमतें तलब करेंगे। अल्लाह हम सबको अपनी पनाहों का हिसार